जौनपुर के बदलापुर क्षेत्र के हाईवे से लगे मिर्सादपुर गांव के पास आज सुबह मवेशियों से लदी एक डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गई। इस सड़क हादसे में 13 गोवंशों की मौत हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि डीसीएम चालक और खलासी फरार हो चुके थे। सुल्तानपुर की तरफ से 29 मवेशियों को लाद कर एक डीसीएम जौनपुर की तरफ आ रही थी। घने कोहरे के कारण सड़क पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। डीसीएम मिर्सादपुर पर पहुंची तो अनियंत्रित होकर प्राथमिक विद्यालय की चहरदीवारी तोड़ते हुए पलट गई। तेज आवाज के साथ हादसा होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने किसी तरह डीसीएम से गोवंशों को बाहर निकाला। तब तक 13 गोवंश की मौत हो चुकी थी, बाकी गोवंश भी शामिल हो गए थे। वहीं मौका देख डीसीएम चालक और खलासी फरार हो गए। अपना परिचय देते हुए क्या घटना है बताइए। भैया अखिल यादव, मिर्सादपुर ग्राम प्रधान। हम लोग सुबह 4:30 बजे घूमने आए तो यहाँ एक ट्रक जो गायों से लदी हुई थी, जिसमें कम से कम 32-35 जानवर हैं, 20-22 मृत हो चुके हैं और 10-5 जो जिंदा बचे हैं सब जानवर बाहर निकाले गए। गाँव वालों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से निकाले गए हैं, बाहर हैं सब। और प्रशासन अब आगे देखिए क्या होता है। प्रशासन आ गई है? हाँ प्रशासन। तो ट्रक कौन से, क्या है ट्रक का, कुछ अनुमान है ट्रक कौन है, ट्रक, कहां से? ट्रक में हर जगह हर अलग अलग नंबर लिखा गया है, ट्रक कोई क्लियर नहीं है, कौन किसकी गाड़ी है और ड्राइवर कंडक्टर फरार हैं इसमें से। हम लोग जब आए थे तब भी कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।